तो दोस्तों कई बार आपको भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें बोलने की जरूरत पड़ी होगी, जैसे कि मैंने जो किया वहीं पर किया, या फिर उसने जो कहा वहीं पर कहा, या फिर मैंने जो बताया वहीं पर बताया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाते हैं, तो चलिए अपनी इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारी जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की जो बुक थी वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ई बुक में मैंने हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ के सारे सेंटेंसेस और सारे स्ट्रक्चर सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की हुई हैं, और उसके अलावा मैंने उसमें ईडियम्स, फ्रेजेज और डेली यूज सेंटेंसेज जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, उसके अलावा मैंने उसमें प्रपोजिशंस और कंजक्शंस, ये सारे टॉपिक मैंने अपनी इस ईबुक में कवर किए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बुक के नाम से जो रेड कलर से आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये लिंक आपको जाकर मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आपकी जो इंग्लिश है उसे बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपको दो चीज़ों का यूज़ करना है, एक है आपका व्हाटएवर और सेकंड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए आप किस तरह से इन्हें यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है अपने सेंटेंस में व्हाटएवर, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट का यूज़ करना है यानी कि आप हो या फिर कोई और है, उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है और उसके बाद फिर से आपको अपना सब्जेक्ट यूज़ करना है और उसके बाद फिर से आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है आप उसे यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये आपको पर डिपेंड करता है, और व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी। तो चलिए इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से और अच्छे से हम समझ लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए मैंने जो किया वहीं पर किया, अब यहाँ पर इंग्लिश देखिए व्हाटएवर आई डिड देयर। यहाँ पर देखिए व्हाटएवर आपका सेंटेंस से है, आई आपका सब्जेक्ट है और डिड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट आई डिड देयर इसी तरह से यूज किया है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने जो कुछ कहा वहीं पर कहा, व्हाटएवर ही सैड देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैंने जो देखा वहीं पर देखा, व्हाटएवर आई सा देयर। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड आज के सवाल की, जो कि आपको ट्रांसलेट करना है। तो आज का सवाल है उसने जो कुछ बताया वहीं पर बताया। तो इसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे एडवांस इंग्लिश की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू।